सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के नोटिफिकेशंस को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। जैसे आप देख सकते हो इस वाले कबूतर की पूंछ गंदी हो रही थी, किसी का कुछ ऐसे हो रहा था। तो कहने का मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं है बाथ सॉल्ट से, आप चाहो तो फिट करी पोटेशियम एक्सवाइजेड किसी भी चीज़ से नहला लो। मैं बाथ सॉल्ट यूज़ करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि सर्दियों में इसका मतलब ये नहीं है कि आप कबूतरों को नहला ही नहीं सकते। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कुणाल एनिमल प्लैनेट। और जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत दिन बाद आज धूप निकली है, अच्छी खासी धूप निकली है आज, और हवा भी बहुत कम चल रही है। तो दोस्तों एक्चुअली में कबूतर मेरे गंदे हो रहे थे और वो नहाना मांग रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्दी में बिल्कुल ही नहला सकते। जैसे आज का दिन है, आप देख रहे हो अच्छी धूप पड़ रही है, तेज़ धूप में गर्मी आ रही है और हवा नहीं चल रही। सबसे मेन बात है हवा नहीं चल रही, धूप में गर्मी है, तो आप कबूतरों को नहला सकते हो। तो दोस्तों आज का जो दिन है वो है 2 जनवरी का और टेम्परेचर अभी 12-13 के आसपास है, लेकिन धूप में गर्मी अच्छी हो रखी है और हवा नहीं चल रही। तो आज हम अपने कबूतरों को नहलाएंगे ताकि वो फ्रेश फील करे और हेल्दी फील करे। तो भाई नहलाने के लिए वही चीज़ है कि हम सबसे पहले पानी गर्म कर रहे हैं इनको नहलाने के लिए, क्योंकि गुनगुने पानी में सर्दी में जब भी नहलाएं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें इन्हें गुनगुने पानी में नहलाना है, ना कि ठंडे पानी में। अभी पानी थोड़ा उबला नहीं है, उबल जाएगा ऊपर लेके चलते हैं फिर नहलाएंगे। तो भाई इसके अंदर अब मैंने पानी डाल दिया, लेकिन ये पानी है ठंडा। अभी ये मैं नीचे से पानी गर्म करके लाया हूँ, तो इसमें हल्का फुल्का गर्म पानी ऐड करेंगे जब तक कि है। हाँ अब ये बिल्कुल गुनगुने टेम्परेचर पे आ गया, थोड़ा मस्त सा इसको गुनगुना करके ना, कि कबूतरों को नहाने में भी इसमें मज़ा आ जाए। इस टाइप का ये हो गया। अब ये वर्सल लागा का बाथ सॉल्ट डाल देंगे इसके अंदर और बाथ सॉल्ट डाल के इनको नहाने के लिए रख देंगे। ऐसे ही अभी दूसरे वाला भी टब मैं तैयार कर रहा हूँ और ये इनका पानी तैयार हो गया, अंदर रख देते हैं। तो भाई ये सारे अपने बच्चे हैं, आप देख सकते हो थोड़े गंदे गुंदे भी हो रखे हैं। और अभी फटाफट से नहाने के लिए आ जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे नहा के सारे। तो आप देख सकते हो अब एक बच्चा कूद गया इसके अंदर, अभी इसके पीछे पीछे सारे नहा लेंगे। देखो उस बच्चे की जो उधर वाइट वाला बच्चा, इसकी पूंछ भी गंदी हो रही है, थोड़ी धसरी थी पूंछ इनकी। ये अब टोटली सारे के सारे बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे इसके अंदर नहा के। तो भाई जैसे आप देख सकते हो इस वाले कबूतर की पूंछ गंदी हो रही थी, किसी का कुछ ऐसे हो रहा था। तो कहने का मतलब ये था कि ज़रूरी नहीं है बाथ सॉल्ट से, आप चाहो तो फिट करी पोटेशियम एक्सवाइजेड किसी भी चीज़ से नहला लो। मैं बाथ सॉल्ट यूज़ करता हूँ। तो कहने का मतलब है कि सर्दियों में इसका मतलब ये नहीं है कि आप कबूतरों को नहला ही नहीं सकते। जिस दिन इस टाइप की धूप आ रही हो, आप देख सकते हो ऊपर धूप बिल्कुल काफ़ी तेज है, कैमरा कर दो शायद काला ही हो जाएगा सारा कुछ, पर आप यहाँ पे भी देख सकते हो धूप काफ़ी तेज है। तो ऐसी टाइप की धूप में आप कबूतरों को आसानी से नहला सकते हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश दोस्तों यही करना, एक आध बारी बीच में सर्दियों में भी नहला दिया करो, इससे काफ़ी फ्रेश रहते हैं जानवर ना। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।